हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हमने अपनी पिछली क्लास में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में पढ़ा था, जो जिला स्तर पर आपकी किस प्रकार की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए निरंतर काम कर रहे थे। तो उनका जो भी काम था वो एक जिला स्तर पर था, या कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो सारे काम आप कर रहे थे। आज हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी कह सकते हैं जो आपके ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं आपकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो अगर हम कहें कि खंड शिक्षा अधिकारी हमारे किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका सबसे पहले, जैसे हमने पढ़ा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, तो उसके बाद में आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो खंड शिक्षा अधिकारी का नाम पहले खंड शिक्षा अधिकारी ना होकर सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी था, लेकिन बाद में 1996 में उनका नाम बदल कर खंड शिक्षा अधिकारी कर दिया गया। यानी आपका जो भी केवल नाम परिवर्तन एक औपचारिकता नहीं थी, खंड शिक्षा अधिकारी नाम देने के साथ साथ उनका ये भी दायित्व उनको बताए गए कि आप जो भी प्राथमिक एजुकेशन है या आपकी जो भी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको किस प्रकार से आप खंड स्तर पर या जनपद स्तर पर उनको किस प्रकार से चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हम नेशनल लेवल की बात कर रहे थे, जब हमने NCERT पढ़ी थी, तो मैंने बताया था कि जो काम आपके NCERT एक नेशनल लेवल पे कर रही थी, सेम आपके स्टेट लेवल पर SCERT उन्हीं कामों को कर रही थी। तो यहाँ पर भी आपको ये बताना चाहूँगी कि जो काम आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एक जिला स्तर पर कर रहा है या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहा है, वही सारे काम आपके खंड शिक्षा अधिकारी क्या करेगा, ब्लॉक स्तर पर करता है। यानी काम दोनों के सेम होंगे, बस दोनों का जो काम करने का एक रीज़न होगा, एक का जिला है और एक का ब्लॉक स्तर पर है। यानी यह भी क्या काम करेगा आपका कि किस प्रकार से जो आपकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसका किस प्रकार से संचालन किया जाए, किस प्रकार से उसका नियंत्रण किया जाए या किस प्रकार से उसका प्रबंधन कार्य किया जाए, इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी आपके निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य क्या क्या होंगे। जैसा कि हमें पता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी क्या काम कर रहा था, प्रबंधन का कार्य कर रहा था, सारी चीज़ों को देखने का काम कर रहा था। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसा पहला हम कह सकते हैं प्रशासनिक या प्रबंधकीय, दूसरा कह सकते हैं वित्तीय अभिलेख, और आपका विद्यालय का सामान्य विवरण, शिक्षकों का सामान्य विवरण, सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि लेखा पासबुक, सेवानिवृत्त लाभ, विद्यालयों को प्राप्त अनुदानों का उपभोग, अशासकीय अनुदातित विद्यालयों के लिए विभिन्न अनुदानों हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण। यानी अब हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है आपका प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्य, तो अगर हम बात करें प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्य में, तो हम कह सकते हैं कि इनमें क्या है, आपका जो भी एक प्रबंध किया जाना है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक खंड स्तर पर जो भी वो चीज़ें होती हैं, चाहे स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण होना हो या वहाँ पर आपके टॉयलेट्स का निर्माण होना हो, क्लासेस का निर्माण होना हो, वहाँ पर जो भी भौतिक संसाधन है उनकी पूर्ति करनी हो, या हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो भी निःशुल्क पुस्तकें बांटी जाती हैं उनके लिए काम करना हो, या जो बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते उनके लिए किस प्रकार से छात्रवृत्ति का निर्माण किया जाए जिससे वो क्या कर सके, अपनी पढ़ाई पढ़ सके, प्लस उनके लिए मध्याह्न भोजन का प्रबंध करना जिससे बच्चे क्या हो, उनका इनरोलमेंट तो हो लेकिन वो डेली क्लास भी आए, जिससे हर एक बच्चा भूखा भी ना रहे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करता रहे। तो ये सारे काम आपके किसके अंतर्गत आते हैं, प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्य में। यानी ओवरऑल एक स्कूल का जो भी मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, कैसा वहाँ के बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसा वहाँ का साज सज्जा होनी चाहिए, कैसे वहाँ पे TLM होने चाहिए, इन चीज़ों के लिए आपका प्रशासनिक या प्रबंधकीय कार्य में खंड शिक्षा अधिकारी काम करता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें आप वित्तीय अभिलेख, वित्तीय अभिलेख हम कह सकते हैं कि जो भी रुपए पैसे के जितने भी आपके अभिलेख होते हैं उनको हम कह सकते हैं वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख में क्या क्या हो सकता है, जैसे हमें पता है कि जो भी टीचर सेवारत है वो काम कर रहा है या टीचिंग कर रहा है अपनी, तो उसका एक निश्चित वेतनमान होता है, तो उसका अभिलेख इनके पास होगा, प्लस उनकी अगर उनके कुछ पद उन्नति हुई है तो उसके अनुसार उनका जो भी वेतन होगा उसकी भी जानकारी इसमें होगी, प्लस जो व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं उनका क्या वेतनमान होना चाहिए या समय समय पर उनकी कैसे
उनको अपग्रेड करना चाहिए या आप उसको कैसे बढ़ना चाहिए, उसके अनुसार उनको कैसे वेतन देना है उसके लिए काम होता है। प्लस कह सकते हैं कि कैसे जो छात्रवृत्ति होती है उसके लिए काम, कि समय समय पर जो भी बच्चा है उसको छात्रवृत्ति मिलती रहे, टीचर को समय पर उसकी वेतन मिलता रहे, इस इन सब के लिए क्या है आपका वित्तीय अभिलेख भी खंड शिक्षा अधिकारी के पास होता है जो समय समय पर अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर हम कहेंगे कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं जो खंड शिक्षा के अधिकारी के पास अवश्य रूप से होते हैं, तो उनमें से पहला है आपका विद्यालय का सामान्य विवरण, यानी एक अभिलेख आपके ये भी खंड शिक्षा अधिकारी के पास होते हैं कि विद्यालय का सामान्य विवरण, यानी एक ब्लॉक स्तर पर जितने भी आपके प्राथमिक विद्यालय हैं उनका नाम और वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं वो सारी जानकारी आपके विद्यालय सामान्य विवरण लेखा पुस्तिका में होते हैं। दूसरा अगर बात करें शिक्षकों का सामान्य विवरण, सेम जैसा विद्यालय का सामान्य विवरण है वैसे शिक्षकों का भी सामान्य विवरण में ब्लॉक स्तर में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें कौन से टीचर कार्यरत हैं, यानी प्रधानाध्यापक कौन है, कितने टीचर हैं वहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, प्लस कौन कर्मचारी है वहाँ पर, इन सब का भी पूरा लेखा जोखा आपके इसमें रहता है। तीसरा बात करें अगर सेवा पुस्तिका, सेवा पुस्तिका में क्या काम होगा कि जो भी आपके कर्मचारी हैं जो भी अलग अलग स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय में एक ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं उनका नाम, उनका विवरण, या उनको कितना वेतन मान दिया जाता है उसका विवरण, या उनकी पदोन्नति हुई है तो उसकी अपग्रेडिंग यानी किस अनुसार उनका वेतन मान बढ़ाया गया है उसका विवरण, ये सारी चीज़ें भी आपके सेवा पुस्तिका में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें भविष्य निधि लेखा पासबुक, यानी इसमें कह सकते हैं कि जो भी कर्मचारी के लिए या टीचरों के लिए जो भी वेतन बिल बनाए जाते हैं, यानी एक जो भी हर एक टीचर को पर्टिकुलर जिस भी चीज़ के अनुसार उनकी सैलरी डिसाइड की जाती है तो उसका भी एक बिल क्या होता है इनमें सारे लगाए जाते हैं, कि हर एक टीचर को पर्टिकुलर अगर वो प्रधानाध्यापक है तो उसकी सैलरी के अनुसार, अगर वो टीचर है जिस ग्रेड पे का टीचर है उसके अनुसार भी उसके सारे बिल आपके भविष्य निधि लेखा बुक में होते हैं। प्लस चयन वेतनमान, यानी किस चयन वेतनमान के अनुसार आपके टीचर वहाँ पोस्ट किए गए हैं, अगर उनकी पदोन्नति हुई है तो उनकी सैलरी का क्या ब्यौरा है वो सारा भी इसमें होगा। प्लस आपका जो भी पीएफ होता है, पीएफ अगर कोई व्यक्ति पीएफ ऋण लेना चाहता है उसके लिए जो भी आवेदन देता है वो उसका भी लेखा जोखा आपके भविष्य निधि लेखा बुक में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका पाँचवा है सेवानिवृत्तिक लाभ, सेवानिवृत्तिक लाभ मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी टीचर क्या हो गया है रिटायर्ड हो गया है, उसने अपनी पूरी टीचिंग कंप्लीट करने के बाद वो रिटायर्ड हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार से उसको वो देनी है पेंशन देनी है उसका सारा लेखा जोखा आपके सेवानिवृत्त लाभ में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें विद्यालयों को प्राप्त अनुदानों का उपयोग, तो हमें पता है कि जैसे समय समय पर जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके विकास के लिए या उनके पूर्ण रूप से संचालन के लिए आपके आपकी क्या करती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार हर एक विद्यालय को क्या देती है कि वो और अच्छी तरह से विकसित हो, तो उनको अनुदान समय समय पर दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुदान क्या है आपके जो भी स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है प्लस आपका जो ग्राम प्रधान होता है उसका एक संयुक्त रूप से एक उसका अकाउंट होता है, उस अकाउंट का नाम होता है ग्राम शिक्षा निधि, यानी एक ग्राम स्तर पर जो भी एक स्कूल को डेवलप करने में जो भी पैसा लगना है तो वो इन दोनों लोगों के खातों में आता है जो आपका संयुक्त रूप से होता है दोनों का। तो इनका उपयोग कैसे करना है यानी किस प्रकार से स्कूल के विकास में जो भी चीज़ें नहीं हैं, अगर हम कहते हैं वहाँ पर कुछ भौतिक संसाधन नहीं है या वहाँ पर हम कहते हैं TLM की कमी है या कहते हैं कि वहाँ स्कूल में पंखे नहीं हैं या साफ पीने के लिए पानी नहीं है, इन सारी चीज़ों की उपलब्धता भी इन अनुदानों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अशासकीय अनुदानित विद्यालयों के लिए विभिन्न अनुदानों के लिए विभिन्न अनुदानों हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण, यानी हमें पता है कि अनुदान के लिए अनुदान कभी भी ऐसे नहीं मिलते हैं, अगर हमें दिखाना पड़ता है कि हाँ हमारे विद्यालय में इन इन चीज़ों की कमी है तो इनके विकास के लिए हमें क्या चाहिए अनुदान, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है कि पर्टिकुलर हमें इन चीज़ों के लिए हमें अनुदान चाहिए जिससे हम अपने प्राथमिक विद्यालय का
और ज़्यादा विकास कर सकें। तो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी का काम ये होता है कि जिस भी स्कूल ने या जिस भी विद्यालय ने अपने जो भी प्रार्थना पत्र द्वारा अनुदानों की मांग की है तो उसकी सही से जांच करें, यानी बहुत ही सूक्ष्मता से उन चीज़ों की जांच करें जिससे उन्हें ये पता हो कि हाँ सच में उस विद्यालय में उन चीज़ों की कमी है और पर्टिकुलर उसी चीज़ों के लिए ये अनुदान की मांग की गई है। अगर उसे उस चीज़ के लिए, यानी अगर कोई विद्यालय ऐसा करता है, अगर उसे लगता है कि संशय है किस चीज़ पर, कि उसे लगता है कि नहीं वहाँ विद्यालय में तो वो सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी अनुदान की मांग की जा रही है, तो खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं जाकर वहाँ पर उन विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करता है। अगर वो चीज़ सच में वहाँ पर नहीं है तो वो उन अनुदानों के लिए जो भी पेपर होते हैं उन्हें आगे प्रेषित करता है। अगर वैसा नहीं है तो वो उन चीज़ों को प्रेषित नहीं करता है। तो आज हमने पढ़ा कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी का क्या काम है और उनके कार्य क्या हैं। थैंक यू क्लास।